आज राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे की साजिश के चार नए वीडियो सामने आए हैं। हंगामे के मिनट टू मिनट का हिसाब है। सबसे पहले वीडियो में 6:02 पर टीएमसी सांसद डोला सेन फंदे के साथ दिखाई दी। डोला सेन डेमोक्रेसी किल्ड का नारा लगाती नजर आई। राज्यसभा में हुए हंगामे का ये एक नया वीडियो सामने आया है। इससे पहले विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि सरकार की इच्छा ही नहीं थी कि किसी मुद्दे पर चर्चा की जाए, बहसबाजी की जाए, इसीलिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। और लेकिन ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इनसे जो समझ में आता है कि विपक्ष का रवैया आप देखिए, ये एक एक पल का हिसाब इन वीडियो के जरिए देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है। डोला सेन को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि ऑडियो जरूर अभी नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो जानकारी मिली है वो डेमोक्रेसी किल्ड के नारे लगा रही हैं, गले में फंदा डालकर पकड़कर खड़ी हैं। अब डोला सेन यहां पर क्या साबित करना चाह रही हैं, संसद की मर्यादा को कैसे तार तार किया जा रहा है, ये सांसद हैं और इनका किस तरह का अंदर बिहेवियर है, रवैया है, हंगामे का एग्जैक्ट सच क्या है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप जान सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि 6:02 का वीडियो है जो सामने आया है। आरोप लगा था कि विपक्ष ने आज जमकर जब संसद में हंगामा किया था, ये उस वक्त का एक वीडियो अभी सामने आया और इसमें डोला सेन साफ देखी जा सकती है जो गले में फंदा लगाकर, अब ये सांकेतिक है या फिर किस पर्पस से किया जा रहा है, लेकिन पल पल के कई वीडियो सामने आए, चार वीडियो सामने आए। 6:22 का एक वीडियो था, अब 6:26 का एक और वीडियो आप देखिए, ये दूसरे एंगल से है। अलग अलग सांसदों के बीच घिरी डोला सेन फंदा गले में डालकर उसे ऊपर उठाती नजर आ रही हैं और पूरा विपक्ष एक तरफ एकजुट नजर आ रहा है, हाथ उठाकर नारेबाजी करते हुए, हंगामा करते हुए, ये सभी एक जो भीड़ है। और ये वो तस्वीर आपको याद होगी जब बिल की प्रति जो है उसको फाड़ कर चेयरमैन के ऊपर फेंक दिया गया था, ये भी इसी तस्वीर में कैद हुआ है जो 6:27 का है। सांसदों ने जो पर्चे फाड़े थे वो किस तरह से यहाँ अधिकारियों के ऊपर, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष के ऊपर फेंक दिया गया था, ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देखिए और समझिए। टीएमसी के ज्यादातर जो सांसद हैं उन पर भी आरोप लग रहा है कि जमकर उन्होंने हंगामा किया था। डेरेक ओब्रायन इन तस्वीरों में अलग अलग जगह नजर आ रहे हैं डोला सेन के साथ, और डोला सेन ने हालांकि जो यहां पर हरकत की है वो समझ से परे है कि संसद में गले में फांसी डालकर एक फंदा नुमा कुछ चीज है, चाहे वो कपड़ा हो या रस्सी हो, इन तस्वीरों में जो समझ आ पा रहा है वो गले में डालकर एक हाथ से उसे ऊपर उठाकर चेयरमैन के सामने खड़े होकर हंगामे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और अब ये चौथा वीडियो अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये शाम ये 6:30 के करीब का, देखिए हाथापाई की नौबत आ गई है, मारपीट हो गई है, तो वाकई ये तस्वीरें शर्मसार कर देने वाली हैं, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं। ये हम लोगों के माननीय हैं, तथाकथित माननीय हैं, जो संसद के अंदर परंपरा का पालन किया जाना चाहिए उसे तार तार कर रहे हैं। ये सांसद हैं, ये लोगों द्वारा चुनकर संसद भेजे गए वो प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर जनता के हित के लिए चर्चा करना होता है, इन्हें फैसले किए जाने होते हैं, कानून बनाया जाना होता है, लेकिन यहाँ पर खुद मर्यादा तार तार हो रही है, संसद की गरिमा पानी पानी हो रही है। हालांकि इन तस्वीरों से कई तथ्य सामने भी आए हैं, कई बातें साफ भी हुई हैं, विपक्ष का जो रवैया था वो शर्मसार कर देने वाला है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जो विपक्ष के सांसद हैं, इसमें अलग अलग दलों के सांसद भी नजर आ रहे हैं, कई ऐसे सांसद हैं, लेकिन डोला सेन स्पेसिफिकली इसलिए तस्वीरों में आप अलग से देख सकते हैं क्योंकि वो बीचों बीच खड़ी हैं, उनके इर्द गिर्द कई सांसद खड़े हैं। ये एक और माननीय सांसद हैं जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पटल के ऊपर। अब यहाँ से जो कॉपीज हैं, प्रतियां हैं याचिकाओं की, उन्हें फाड़कर अधिकारियों के ऊपर फेंका जा रहा था। ये भारतीय संसद की तस्वीरें हैं, ये राज्यसभा की तस्वीरें हैं, जिसके बाद आपको वो तस्वीर भी याद होगा जब वेंकैया नायडू आखिरकार इमोशनल हो गए, भावुक हो गए और बोला कि ऐसी तस्वीरें, ऐसी हरकतें आज तक इतिहास में संसद में देखने को नहीं मिली थी, सोचा भी नहीं था कि विपक्ष इस तरह से अमर्यादित व्यवहार करेगा। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे वो इन तस्वीरों से, तो विपक्ष पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है। संसद के अंदर की ये जो तस्वीरें हैं ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम खुद आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं, तो ये वीडियो के सबूत हैं और ये सबूत कुछ हद तक काफी हैं ये समझ जाने के लिए कि हंगामा किस तरफ से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और किस कदर किया जा रहा है। और इन तस्वीरों में डेरेक ओब्रायन को भी आप देख सकते हैं जो एक तरफ वीडियोस बनाते नजर आ रहे हैं, डोला सेन को आप देख पाएंगे और
हालांकि बीच में ऐसी नौबत भी आ गई थी कि राज्यसभा में मार्शल्स को बुलाना पड़ा, इन सांसदों के साथ जो हाथापाई हुई थी उसे रोकने के लिए, या फिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है सदन के अंदर, ये मिनट मिनट का हाल, ये 6:31 का वीडियो इस वक्त आप देखिए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद से हम समझेंगे कि विपक्ष ने आरोप तो कुछ लगाए लेकिन इन तस्वीरों से तथ्य कुछ और सामने आ रहे हैं। आनंद, ये 4 एक्सक्लूसिव वीडियोस हम लगातार इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं और विपक्ष का जो रवैया है वो बहुत शर्मिंदगी वाला है कि किस तरह से एक तरफ डोला सेन नजर आ रही है गले में फंदा डाले हुए, अलग अलग सांसद नजर आ रहे हैं जो आसंदी के पास पहुंचकर पर्चे फाड़ रहे हैं, अधिकारियों को शर्मिंदा कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। आखिर इन तस्वीरों से अब क्या तथ्य सामने आ जाते हैं? जी देखिए, पूरी टाइमलाइन सामने आ गई है, जो जांच रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई और पता चलता है कि जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है किस तरह से उसके सारे आरोप जो है वो सिरे से खारिज हो रहे हैं इन सबूतों के आधार पे, इन वीडियोस के आधार पे और जो सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे। शुरुआत जो होती है कि जैसे ही ओबीसी बिल पास होता है, डोला सेन जो कि टीएमसी की सांसद है वो एक कपड़े का फांसी का फंदा बना के लेकर आई थी, उन्होंने अपने बगल की सीट पर बैठी हुई टीएमसी की सांसद शांता छेत्री को उसको गले में डाला, फिर वो आगे बढ़ती हैं और आगे जाकर वो डेरेक ओब्रायन जो कि उन्हीं की पार्टी के सांसद उनसे जाकर कुछ बात करती हैं और फिर वो फांसी का फंदा लेकर आगे जाती हैं और वेल में जाकर वो नारेबाजी करनी शुरू कर देती हैं। इसी बीच में मार्शल्स जो है वो एक घेरा बना लेते हैं चारों तरफ जो रिपोर्टर्स डेस्क है उसके तरफ, ताकि जो 10 तारीख को जो हुआ था वैसा कुछ सांसद नहीं कर पाए। और यही वजह है कि उसके बाद एक एक वीडियो जो सामने आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि उसमें बकायदा जो रिपोर्ट है उसमें एक एक सांसद का नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन सांसद जो है किसने पेपर फाड़ा, किसने पेपर फेंका, किसने जैसे कि मार्शल का गला दबाया, किस महिला सांसद ने किस महिला मार्शल का न सिर्फ उसका सर जो है टकराने की कोशिश की बल्कि उसको खींचने की भी कोशिश की और कितनी चोटें आई हैं, ये सारी बातें जो है रिपोर्ट में और इससे इस रिपोर्ट और वीडियो फुटेज के आधार पे साफ हो जाता है कि हम जो 4 वीडियोस देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहला वाला वीडियो तो डोला सेन का फिलहाल ये भी समझना चाहेंगे, महिला सांसदों के साथ हुए बर्ताव को भी लेकर तस्वीरें काफी हद तक साफ हो जा रही है कि मार्शल्स को क्यों बुलाना पड़ा, नौबत ऐसी आ गई थी, स्थिति ऐसी गई थी, लेकिन जब ओबीसी बिल पास हुआ उसके बाद तक स्थिति ठीक थी, अचानक क्या ये प्रीप्लांट नजर आ रहा है कि विपक्षी सांसदों ने इस तरह से मिलकर हंगामा किया और सारी मर्यादाओं को तार-तार किया, डोला सेन की ये हरकत समझ से परे है? जी बिल्कुल, ये विपक्ष की जो रणनीति शुरू से रही है कि जैसा कि पहले से ही डेरेक ओब्रायन हो या तमाम विपक्ष के नेता हुए कहते रहे थे कि अगर पेगासस पे चर्चा नहीं हुआ तो पूरा जो मानसून सत्र है वो वॉश आउट हो जाएगा, यानी कि हंगामा होगा, कोई कामकाज नहीं होगा। लेकिन ओबीसी बिल जो था वो चूंकि एक बड़े वोट बैंक से जुड़ा हुआ था और सभी तमाम जो विपक्षी दल जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं उनको वोटों की चिंता है, लिहाजा जब तक ओबीसी बिल पर चर्चा हुई वो पारित नहीं हो पाया तब तक तो शांति से अपनी अपनी सीट पर बैठे रहे। लेकिन जैसे ही जीआईसी बिल यानी कि जो जनरल इंश्योरेंस बिल है उसके बारे में चेयर ने कहा कि मगला आइटम जो है जनरल इंश्योरेंस बिल को टेकअप करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तमाम सांसद जो विपक्षी सांसद हैं वो आगे आगे वेल में आगे नारेबाजी शुरू कर दी। डोला सेन फांसी का फंदा लेकर आई थी, वो कह रही थी कि डेमोक्रेसी किल्ड, यानी कि सदन के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच में कई जो मेल मार्शल्स हैं उनसे धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई, एक महिला सांसद का जो 2 महिला सांसदों का वीडियो एकदम साफ दिखाई दे रहा है कैसे वो एक महिला मार्शल को खींच रही है और उस महिला मार्शल की मेडिकल रिपोर्ट आई है कि बकायदा उसको कई जगह पे चोटें आई हैं। और इतना ही नहीं, अलमारम करीम जो कि लेफ्ट के सांसद हैं, बने रहेगा हमारे साथ, लेकिन ये जिस रिपोर्ट का ऑर्डर दिया गया था ये रिपोर्ट भी सामने आ गया, ये इंसिडेंट रिपोर्ट है, ये वो टाइमलाइन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और 6:02 से लेकर उसके बाद अगले आधे घंटे में जो हंगामा हुआ वो वर्ड टू वर्ड इसमें मेंशन किया गया है। 6:02 क्या हुआ था ये इसमें लिखा है, मिस डोला सेन पुट दी हैंगिंग लूप मेड अप ऑफ फैब्रिक, एक स्कार्फ नुमा कुछ चीज थी जो उन्होंने गले में डाला और स्लोगन शाउटिंग शुरू कर दी, डेमोक्रेसी किल्ड, डेमोक्रेसी किल्ड, ये भी तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद 6:04 का ये एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ये बताया जा रहा है, फूलो देवी के ऊपर भी आरोप लगा है, ये इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रति जो थी याचिका की वो फाड़ दी और चेयरमैन के ऊपर फेंकने की कोशिश की। 6:22 वाला जो पॉइंट है कुछ बोल्ड अक्षरों में मेंशन किया गया है, इस पर अगर आप नजर डालें तो ये रिपोर्ट कह रहा है कि मिस डोला सेन ऑब्स्ट्रक्ट्स द वर्क, तो यानी कि संसद में जो कार्रवाई हो रही थी उसमें उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन पैदा किया, डिस्टर्बेंस उनकी वजह से हुई और इसकी वजह से यहां पर जमकर हंगामा हुआ,
सांसदों ने जो नारेबाजी की, इस बीच कुछ महिला सांसद भी वहां पर मौजूद थी जिन्होंने उनके साथ अमर्यादित बिहेवियर का इल्जाम लगाया और मार्शल्स को बुलाना पड़ा। संसद में हुए इस हंगामे की जो चार वीडियोस एक्सक्लूसिवली हमने दिखाए वो कई तथ्य स्पष्ट कर दे रहे हैं कि पूरी तरह से जो आरोप विपक्ष लगा रहा था हालांकि वो सच साबित नहीं हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के रवैये पर इन वीडियोस से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और लौटेंगे हेडलाइंस के साथ।